ध्यान से देखो, लास्ट हम लोग है ना पीएच का डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें आपको ये सिखाया गया था कि पीएच का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक या बेसिक नेचर के प्रॉपर्टी को एक स्केल पे मेजर करना। तरीका क्या था? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आई, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो कुछ बातें और भी इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। हम लोग लास्ट केवल फोकस किस पे थे कि वाटर का रहेगा एच प्लस, कोई एसिड रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसका एच प्लस कैसे लेना है, और अगर कोई वीक एसिड रहेगा तो उसका एच प्लस कैसे लेना है, उसके बेसिस पे कैलकुलेशन। आज उसी पीएच में थोड़ा सा और चीज ऐड कर रहे हैं। अगर हमारे पास सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाए, जैसे दो एसिड को मिक्स करना, या सॉल्यूशन में पानी ऐड किया जाए, डाइल्यूट किया जाए, तो पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीजों को थोड़ा सा देखो समझो। कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन केस ऑफ मिक्सचर और सॉल्यूशन, इसको थोड़ा दिमाग खुला रखिएगा, सोचो। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं एसिड प्लस एसिड, मतलब दो एसिड्स को आपस में आप मिक्स कर, ठीक है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका नॉर्मलिटी n1 है, वॉल्यूम v1। ये दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में दूसरा एसिड है, नॉर्मलिटी n2 है, वॉल्यूम v2। आप इन दोनों को जोड़ दिए, जब आप इन दोनों को जोड़ दिए तो इसका नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर आ गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। हमेशा ध्यान रखना कि मोल कॉन्सेप्ट में आप सीखे हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ दैट फाइनल सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू n1 v1 प्लस n2 v2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कहने का मतलब v1 प्लस v2 होता है। जैसे हम तुमसे बोले कि H2SO4 और HCl को मिक्स करो, H2SO4 का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम बता दें, ठीक है, और क्या था HCl का नॉर्मलिटी और वॉल्यूम बता दे, तो तुम्हारा काम होगा कि उस मिक्सचर का नया नॉर्मलिटी निकाल, उसको तुम इस मेथड से निकालो। जो नया नॉर्मलिटी आएगा, हम पूरा बात बोल रहे हैं नॉर्मलिटी को लेके, मोलारिटी है तो नॉर्मलिटी में बदलिए, बाद में यूज कीजिए। तो नॉर्मलिटी जो आएगा, दिस इज इक्वल्स टू एच प्लस कंसंट्रेशन, ये H+ कंसंट्रेशन होगा, यहां से pH निकाल, माइनस लॉग H+, ठीक है, वहां से जो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन आएगा वही H+ का कंसंट्रेशन होगा, सॉल्यूशन का, नया सॉल्यूशन का, और उसके बाद फिर pH। इसी खेल को तुम दो बेस के साथ कर सकते हो, दो बेस फॉर टू बेसिस, दो या दो से अधिक बेस, ठीक है। याद रखिएगा नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन बेसिक दैट विल बी इक्वल्स टू n1 v1 प्लस n2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, सही है। ये हमारे फाइनल बेसिक सॉल्यूशन का नया नॉर्मलिटी आएगा, फाइनल बेसिक सॉल्यूशन का नया नॉर्मलिटी होगा। Yeah, ये जो हमारा NS है, this will be equals to OH minus concentration, ठीक है? ये जो नया तुम निकालो ना normality दो base के मिलने से, वो हमको OH minus concentration देगा, और जो OH minus concentration है, वहाँ से तुम निकाल सकते हो pOH minus log OH minus concentration। जब आप H+ कंसंट्रेशन लेते हैं ना pH होता है, जब आप OH- कंसंट्रेशन लोगे pOH होगा, और तुमको पता है इन दोनों का सम केवल 40। pH plus pOH किसी भी सॉल्यूशन का इसका सम हमेशा 40 होता है। सर कैसे 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 आता है, देख क्या हम लोग ऐसा पढ़ रखे हैं कि kW is equals to H+ into OH-, ठीक है।
OH माइनस, KW का वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 14, यहाँ पे है H प्लस और साथ में है हम लोगों का OH माइनस, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लो, तो लॉग 10 टू द पावर माइनस 14, ये देखो A इंटू बी है, तो लॉग A प्लस लॉग B के बराबर होगा, सही है। अब देखिए ये जो लॉग 10 पे पावर माइनस 14 है, माइनस 14 आगे आ जाए, माइनस 14 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू बोलो 1, और राइट हैंड साइड में है लॉग एच प्लस और साथ में है लॉग ओ एच माइनस, लॉग 10 का वैल्यू 1, माइनस 14 इज इक्वल्स टू लॉग एच प्लस प्लस लॉग ओ एच माइनस, चलो ये लेफ्ट वाला माइनस भी राइट में भेज दो, माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग ओ एच माइनस, समझ गए आंसर। ये जो माइनस लॉग एच प्लस है वो पी एच है, और ये जो माइनस लॉग ओ एच माइनस है वो पी ओ एच है। हमेशा ध्यान रखना पीएच और पीओएच का सम कितना रहेगा 14, एक निकाले दूसरा आंसर मालूम। अब जब जो मेथड इजी लगता है वही निकाल लेते हैं, अगर पीएच निकालना आसान है वही निकाल लो, अगर पीओएच निकालना आसान है वो निकाल लो, आंसर के लिए फाइनली है ना 14 में से सब्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तीसरा थोड़ा केस कॉम्प्लिकेटेड है जहां एसिड और बेस को आप मिला, थर्ड केस, ठीक, एसिड प्लस बेस, यहां मैंने कुछ टर्म लिख रहे हैं, पहले वो फंडामेंटल्स आप देख लो, फिर अगले बोर्ड पे जाएंगे तब देखेंगे। देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, ये होगा नॉर्मैलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है, नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम। देखिए बेसिक जो आप मोल कांसेप्ट में पढ़ते हो यहां का, एक्चुअली मोल कांसेप्ट कहीं भी काम आता है, यहां भी आता है, उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आप बेस का लीजिएगा तो नॉर्मैलिटी ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ बेस होगा। अब आप अपने से सोचिए कि देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, क्या क्या तुम्हारे हिसाब से, एसिड ज्यादा हो सकता है बेस कम, या बेस ज्यादा हो सकता है एसिड कम, या दोनों बराबर, तीन चीज हो सकती है। तो तीन अलग अलग केस में कैलकुलेशन का तरीका भी थोड़ा बदल जाता है, ठीक है, आप याद रख नोट करें, फिर हम देखो वहां पे तीन केस था, तीनों केस को एक एक करके है ना समझने का कोशिश कीजिए। केस वन, अगर ऐसा हो कि NaBH का वैल्यू NDBB से बड़ा, वैसे केस में नेट सॉल्यूशन तुम्हारे हिसाब से एसिड और बेस को मिला रहे क्या होगा, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक होगा, ग्राम इक्विवेलेंट एसिड्स का ज्यादा है, फाइनल सॉल्यूशन इज एसिडिक। देखना थोड़ा रुक जाना, नोट करना, बंद करना, समझना, यहां से जब तुम नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो तरीका है NaBA माइनस NDBB माइनस करना है और वॉल्यूम ऐड होगा, एसिड और बेस का वॉल्यूम ऐड, तो ये जो NS आएगा ना दिस इज इक्वल्स टू H प्लस कंसंट्रेशन देन फाइंड pH, H प्लस आ गया तो pH निकाल, ठीक है। इसी का केस टू समझना, अगर ऐसा हो कि NBBB इज ग्रेटर देन NaBA, फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन बेसिक, बेसिक, तो इस बार आप NS इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे NBBB माइनस NaBA डिवाइडेड बाय BA प्लस BB, एंड जो NS आपका आ रहा है ये किसके बराबर होगा, सोच के बोलो, वेरी गुड, equals to concentration of OH minus, किसको निकाले, then pOH निकाले,
COH is equals to minus log OH minus, और फिर अगर वहां से COH में आंसर छोड़ना है वही छोड़ दो, अगर pH निकालना पॉटिंग में से माइनस, ठीक है। अब एक केस और है उसको सोच लेते हैं, केस 3, दोनों बराबर। अगर ऐसा हो कि NA BA और NB BB बराबर हो जाए, बोलो क्या होगा, न्यूट्रल है, pH कितना आएगा 7, वेरी गुड, देन pH विल बी इक्वल्स टू 7, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत, ठीक है। तो ये चीज है जब हम एसिड और बेस को आपस में मिलाएंगे, या दो एसिड्स को आपस में मिलाएंगे या दो बेसिस को आपस में मिलाएंगे, तब कैसे काम करना है। हर जगह लिखा हुआ है कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन, क्या लिखा हुआ है, मोलर कंसेंट्रेशन। अगर डाटा किसी और तरीके से दिया है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड मोलर कंसेंट्रेशन। जैसे हम तुमसे बोल देंगे कि देखो जी 20 ग्राम NaOH है ना 500 ml पानी में मिलाया गया, जो सॉल्यूशन बना उसका 10 ml लेके HCl के 0.2 मोलर 500 ml के साथ मिक्स किया, तो पहले आपको 20 ग्राम NaOH 500 ml लेके पहले उसका नॉर्मैलिटी निकालना पड़ेगा, फिर उसका 10 ml लेना, मतलब BB 10 ml नॉर्मैलिटी निकाल दिया। क्वेश्चन पे कमांड करने का तरीका होता है चीजों को दिमाग में जगह दो, जो आप बोलते हैं उसको सुन के खाली मत भूल जाइए, आपको उसको दिमाग में प्रोसेस करना होगा। देखिए जैसे हम फिर से एक बार बोलते 10 ग्राम HCl 500 ml के अंदर मिक्स है, जो सॉल्यूशन बना उसका 20 ml लेंगे और किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे, तो पहले आपको 10 ग्राम HCl और 500 ml लेके उसका नॉर्मैलिटी निकालना है, और फिर उसका 10 ml लेके कहीं और जाके एक्सपेरिमेंट करना है, मतलब जो BA वाला वैल्यू होगा वो कितना होगा 10 ml, पूरा 500 ml लेके नहीं जाना, तैयारी हुआ है पूरा 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो जैसे किसी के घर में फंक्शन हुआ है ना, एक बड़ा सा टब में है ना बना के रखा है शरबत, अब उसका मिठास चेक करना है तो पूरा टब का पीने नहीं जाएगा क्या, एक चम्मच एक गिलास पी के देख लेगा क्या मिठास कैसा, उसी तरह बना है आधा लीटर, लेकिन एक्सपेरिमेंट में आधा लीटर उठा के नहीं जाना, कितना जाना है 10-20 ml जैसा क्वेश्चन है उससे जाना, बात समझ गए। तो चीजों को ऐसे प्रेडिक्ट करो। चलो ये था इस तरह। एक खास चीज वो है पीएच से मोलारिटी निकाल, जैसे तुमसे बोला जाएगा कि देखिए नहीं क्वेश्चन ही तुमसे बोला गया फॉर टू सॉल्यूशंस ऑफ HCl हैविंग pH इक्वल्स टू 3 एंड pH इक्वल्स टू 6 आर मिक्स्ड विथ इक्वल वॉल्यूम, फाइंड pH ऑफ मिक्सचर। अब देखो यार दो को pH दिया, बोला HCl का दो को सॉल्यूशन, ठीक है, एक का pH 3 है एक का pH 6 है, और दोनों को आप मिक्स कर दिए इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किए, मतलब अगर इसका 500 ml तो उसका भी 500 ml, इसका 10 ml तो उसका भी 10 ml, अच्छा हुआ क्या, इसका भी लो उसका भी लो, समझ गए। अब मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बना दिया, बताइए इसका pH, मीन और मत निकालना बनाना, ठीक है, ऐसा नहीं 3 और 6 बीच में 4.5, ठीक है, हो सकता है इक्वल वॉल्यूम है मे बी, लेकिन आपको बनाना है, ठीक है। कैसे बनेगा, फॉर फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, तो क्या हम H+ को, अच्छा देखिए थोड़ा मैथमेटिक्स पहले देखिए, आप देखते हैं आप लिखे ना अभी थोड़ी देर पहले कि pH is equals to minus log H+, अगर आपको H+ लिखना रहेगा ना तो 10 पे पावर pH होगा, 10 पे पावर माइनस pH, ये H+ है। तो क्या मेरे पहले सॉल्यूशन के लिए H+ कंसंट्रेशन 10 पे पावर माइनस 3 मोल पर लीटर है, ठीक है, क्या इसको रहने दो बस ऐसे ही लिख दीजिए। तो फॉर सेकंड सॉल्यूशन, जब तुम सेकंड सॉल्यूशन का बात करोगे तो उस केस में जो H+ आएगा वो 10 टू द पावर माइनस 6 मोल पर लीटर आएगा,
वो पी एच सिक्स था ना, तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, एच प्लस कंसंट्रेशन है। अब देखो क्या है, दोनों को मिला देंगे तो 10^-3 मोल्स पहला से आएगा, 10^-6 मोल्स दूसरे से आएगा, लेकिन दोनों का एक एक लीटर भी तो आएगा, मतलब वॉल्यूम तो डबल होगा। तो जो आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन का H प्लस कंसंट्रेशन लिखेंगे, H प्लस टोटल या रिजल्टेंट बोलो। अच्छा, मैं एक चीज थोड़ा ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा चल रहा है, शायद आपका नहीं चल रहा, मेरा चल रहा है। अगर यहाँ पे माइनस सिक्स आ गया ना, तो हमको पानी वाला को भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं सकता ठीक है, तो ये पानी का लफड़ा में नहीं फंसना चाहते। दूसरा चीज होता है, थोड़ा डाटा कम कर दे या चार कर दे, चार कर देंगे तो ये फोर हो जाएगा, पानी वाला लेने का तो जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना, वो बहुत छोटा है, नेगेट कर दी, वो मेरे दिमाग में चल रहा था, आपके दिमाग में चल रहा था, तो ऐसे चल रहा है बात समझे। अगर माइनस सिक्स रहता है तो लेना पड़ जाता है, 10^-7 लेना पड़ता है। तो एच प्लस में ऐसे देखो, एच प्लस का टोटल मोल और वॉल्यूम टोटल, एच प्लस का टोटल मोल कितना, एक जगह से 10^-3 है, एक जगह से 10^-4 है, और वॉल्यूम में 2 लीटर कितने, समझ रहा है, एक एक लीटर दोनों का 2 लीटर। ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट से हो जाता है, वो अभी भी सोचता है ना कि इन दोनों को जोड़ देने से मेरा है ना नेट एच प्लस आ जाएगा, एच प्लस का मोल आएगा, लेकिन लीटर लीटर एक एक लीटर जोड़े हैं आप, तो 2 लीटर होना चाहिए। तो आपके पास आ गया ये 10^-3 1+0.1/2, चलिए ये H प्लस आ गया। अब H प्लस आ गया ना, यहां से आप pH निकाल लो मिक्सचर का, माइनस लॉग H प्लस कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर है, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग सीख लेंगे थोड़ी देर के बाद, लॉग कैसे करेंगे ठीक है, ये तरीका है। यहां हम इसको बना के छोड़ देते हैं लॉग टेबल तक, हाँ लॉग हम लोग देखेंगे, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये आएगा हम लोग का माइनस लॉग, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ रहा है 10^-3 1.1/2, सही है। देखो इसमें कैसे लिखते हैं, a इंटू बी बाई सी है, माइनस को छोड़ दो बाहर, लॉग 10^-3 होगा प्लस लॉग 1.1 होगा माइनस लॉग 2 होगा। अब अगर हमको ये वैल्यू तो आप जान सकते हैं, माइनस 3 आ जाएगा, सही है, लॉग 1.1 इज अप्रोक्सीमेटली 0, क्योंकि log 1 0 होता है, so 1.1 is approximately, log 2 का value 0.3010, तो लगभग ही solved है, ठीक है, लेकिन आप log table देख लीजिएगा, तो इसी तरह कोई भी data आएगा, तो आप उसको निकाल सकते हैं, समझ में आया कैसे बंदा? तो pH से भी आप बदल सकते हो, ठीक है, एक pH, दो pH, नया pH और, ये तो तुम देख रहा है ना, कि देखो यहाँ 3 था, ये 4 था, ये 3 और 4 के बीच नहीं आ रहा कुछ और, तो उसी हिसाब से सोचना पड़ता, हो सकता कुछ भी आए, कुछ भी आए। अब देखो एक और चीज, यहां डाइल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, याद रखिएगा, डिक्रीजेस कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन को कम कर देता है। अब कंसंट्रेशन को कम करेगा, उस हिसाब से आप पीएच निकालेंगे। जैसे एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच है 4, उसमें 4 लीटर पानी डाल, नया पीएच निकाल। सॉल्यूशन जिसका पीएच है 4, एच प्लस कंसंट्रेशन है 10^-4 पर लीटर, उसमें आप 4 लीटर पानी डाल, नाउ वॉल्यूम बिकम्स 5 लीटर, तो नया एच प्लस कंसंट्रेशन लिखो, फिर पीएच निकाल, ठीक है, नोट करो। ध्यान से देखिए, पीएच में याद रखना, डिस्कशन रखिए, सॉल्ट हम लोग एक बड़े सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो इस पर्टिकुलर आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली बचा हुआ है। एक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, दूसरा होता है बफर सॉल्यूशन, और थर्ड होता है सॉल्ट का सॉलिबिलिटी, ठीक है, ये 3 पोर्शन है, बड़ा है, मेजर सेक्शन ये। सबसे पहला टर्म जो हम लोग आज
लिखना स्टार्ट कर रहे हैं पतली होगा, दैट इज सॉल्ट एंड इट्स हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट एंड इट्स हाइड्रोलिसिस। देखो जनरल कॉन्सेप्ट है न्यूट्रलाइजेशन का कि एसिड को अगर आप बेस के साथ मिलाओगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है, करेक्ट ना? एसिड को अगर आप बेस के साथ मिलाएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और बेस को मिलाने में आपके पास, एसिड और बेस को अगर आप मिलाएंगे तो हम आपको यानी चार अलग अलग केसेस दिखाते हैं। आप ले सकते हैं एसिड में सपोज HNO3 ले लो और बेस में NaOH ले लो, तो सॉल्ट में बन जाएगा NaNO3 और साथ में वाटर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केस टू तुम ले सकते हो, एसिड में ले लो CH3COOH और बेस में ले लो NaOH, इसको जब रिएक्ट कराओगे तुम्हारे पास बनेगा CH3COONa और प्लस H2O। थर्ड केस, मान लो तुम्हारे पास है HCl और साथ में है NH4OH, ये रिएक्ट हुआ तो बना NH4Cl और साथ में H2O। और फोर्थ केस है तुम्हारे पास है सपोज CH3COOH और साथ में है NH4OH, तो तुम्हारे पास सॉल्ट बना है CH3COONH4 और साथ में H2O। एक्चुअली चार एग्जांपल है ना एसिड और बेस का, चार अलग अलग तरह का पेयर का सिलेक्शन। आप अगर एक एक चीज पे ध्यान देंगे तो आप फर्स्ट केस में देखिए तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है और ये उसका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकेंड केस में आपके पास है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये उसका सॉल्ट है, ठीक है। थर्ड केस में है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और ये उससे बना हुआ सॉल्ट है, और ये तुम्हारे पास है वीक एसिड वीक बेस वीक बेस और ये उसका सॉल्ट है। तो सॉल्ट चार तरह, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, या वीक एसिड वीक बेस का, चार तरह का सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट में अगर आपको वापस से सॉल्ट से अगर आपको वापस सॉल्ट से एसिड और बेस पता करना है तो सॉल्ट में दो हिस्सा कर लो। सॉल्ट में देखो कोई एक केटायन और कोई एक एनायन होगा, कोई एक एनायन कोई केटायन, कोई एक केटायन एनायन, समझ गया? और पानी का दो हिस्सा मतलब कौन, H प्लस और OH माइनस। तो जरा रिवर्स करने का कोशिश करो, केटायन को एनायन के साथ, एनायन को केटायन के साथ मिलाइए, देखिए उसका पैरेंट एसिड बेस बन जाएगा। आप अगर यहाँ पे Na प्लस को OH माइनस से जोड़ देते ये बना, NO3 माइनस को H प्लस से जोड़ देते ये, आप यहाँ पे जो माइनस है उसको अगर H प्लस से जोड़ देते हैं तो ये बनेगा, और जो यहाँ पे प्लस है उसको OH माइनस से जोड़ देते हैं। तो सॉल्ट देख के भी आप उसका क्रॉसपॉन्डिंग एसिड और बेस लिख सकते, ठीक है? जैसे थोड़ा काम कर लीजिए, मान लीजिए आपके पास ये बेंजीन है, बेंजीन पे लिखा हुआ COO-Na+, हम बोलेंगे बताओ ये किस सॉल्ट से बना है, सॉरी किस एसिड और बेस से बना है, फॉर्मूला बोलो। जो माइनस है उसके साथ कौन जाएगा, H प्लस, और जो प्लस है उसके साथ कौन जाएगा, OH माइनस। तो क्या बोल सकते हैं कि सर इसका एसिड जो है वो COOH है और सर इसका बेस NaOH, ये उसका एसिड है और ये इसका बेस है, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में? आप सिंपली इसमें पानी ऐड करें, ठीक है? जब आप सॉल्ट को
वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड और बेस बनके तैयार होता है, करेक्ट है ना। जिस एसिड और बेस के मिलने से वो सॉल्ट बना था, पानी ऐड करने के बाद वही एसिड और बेस आपको वापस मिल जाएगा। इस प्रोसेस को आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एंड द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एसिड और बेस मिला सॉल्ट और पानी में, ये न्यूट्रलाइजेशन। उसका उल्टा मतलब सॉल्ट पानी से मिला एसिड और बेस बना, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। समझ पाए? उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे ही हम लोगों का मेन डिस्कशन होगा। मान लीजिए जैसे लेट बी ए इज सॉल्ट, बी ए, जैसे ही आप इस बी ए को पानी के साथ मिलाइएगा, एच प्लस या प्लस है तो बन जाएगा BOH, और ए माइनस के साथ एच है तो बन जाएगा HA। ये हम लोग का सॉल्ट, ये उसका बेस और ये उसका एसिड, सही। जैसे ही आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे ना के, तो आपके पास आएगा BOH HA डिवाइडेड बाय BA और पानी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है जो आगे से आपको दिमाग में रखना होगा, हाइड्रोलिसिस मेथड वो होता है जिसमें पानी ऑलमोस्ट है ना कांस्टेंट होता है, पानी के कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा। चेंज ये घटेगा ये बढ़ेगा ऑल हैपेंस, लेकिन जो वाटर है दैट ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। पानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, रिएक्शन में थोड़ा हिस्सा ले भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप ही सोचिए ना, आप ही सोचिए कि मान लीजिए आप है ना एक ड्रम पानी लेके रखे हैं और उसमें है ना एक चम्मच चीनी डाले, चीनी का क्या हो, चीनी के घुलने के लिए कुछ हीट का जरूरत पड़ता है तो हीट ले लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पानी एकदम ठंडा हो गया। तो वही चीज होता है, अमाउंट इतना ज्यादा है कि अगर थोड़ा सा कंज्यूम हो भी जाए तो आप उसको ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट की तरह ले सकते हैं। आप इसको लाइए कॉन्स्टेंट को, इधर ले आके मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास होगा K into water and that will be equals to BOH multiplied with HA, और नीचे है BA। देखो कांस्टेंट को जब एक दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, K itself is a constant, पानी का कंसंट्रेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट, जब यहां दोनों कांस्टेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा, दिस इज अ न्यू कांस्टेंट विच इज कॉल्ड KH, KH KH is equals to BOH साथ में HA divided by BA. This KH is called hydrolysis constant. Hydrolysis constant. आपको पता चल रहा है? आप चौथा अलग-अलग तरह का constant पढ़ रहे हैं। आयनिक equilibrium start होने के पहले equilibrium में, chemical equilibrium में आपके पास कांस्टेंट कौन था? Kc, Kc, Kx। जब आप आए आयनिक इक्विलिब्रियम में तो पहले K आ गया एसिड के डिसोसिएशन को दिखाने के लिए, फिर Kb आ गया बेस के डिसोसिएशन को दिखाने के लिए, फिर Kw आ गया पानी के डिसोसिएशन को दिखाने के लिए, उसी तरह आज KH आ गया, समझ गया, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस को दिखाने। यहां तक नोट कर ले, नेक्स्ट यहां से आगे बढ़े, बड़ा सेक्शन है, अगले दिन पूरा समय लगेगा। चलो यहां तक नोट कर लो बढ़िया सा।